दैट पार्ट ऑफ लैंड इज भूटान एंड जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये इंडिया है। ये जो वेस्ट टू ईस्ट का जो जर्नी था जो हम लोगों ने पुणे से स्टार्ट किया हुआ था वो कंक्लूडिंग फेज़ में आ चुका है। कल हम लोग रात को 2 बजे अपने घर पहुंचे और अब हम लोग भूटान की तरफ चल रहे हैं। सो चलिए भूटान की तरफ चलते हैं एंड देखते हैं। तो 3 मस्केटियर्स भूटान की तरफ जा रहे हैं। हम लोग भी आज भूटान के अंदर तो नहीं जा पाएंगे बट हम लोग कोशिश करेंगे कि भूटान गेट तक हम लोग वहां पे जाएं। हम लोगों ने अभी जस्ट हांसीमारा क्रॉस किया और तो फिलहाल हम लोग एशियन हाईवे 48 पे कनेक्ट हो रहे हैं। यहां से हम लोग राइट टर्न ले रहे हैं। ये जो रोड आपको दिख रहा है दिस इज़ अ पार्ट ऑफ एशियन हाईवे 48। सो बेसिकली एशियन हाईवे सारे सार्क कंट्रीज़ को कनेक्ट करता है। और ये जो आपको साइन बोर्ड दिख रहा है पारो, भूटान का ये सेकंड लार्जेस्ट सिटी है और भूटान में जो एयरपोर्ट है, जो ओनली एयरपोर्ट है वो है पारो में। जनसंख्या भूटान की कुछ 8 लाख के आसपास है बट इट्स फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी। अगर आपको अपना स्ट्रेस दूर करना है यू मस्ट विजिट भूटान, सी द ब्यूटी। फिलहाल हम लोग दलसिंहपाड़ा क्रॉस कर रहे हैं। वी आर स्टिल ऑन एशियन हाईवे 48 और ये हमें इंडिया का जो लास्ट सिटी है जयगांव, जो कि यहाँ से 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पे दिखा रहा है, वहाँ जा रहे हैं। उसके बाद भूटान का रीजन स्टार्ट हो जाता है। बट जहाँ हमारी नज़रें जा रही हैं सिर्फ पहाड़, चाय बागान, रिवर्स और ये सुंदर सा एशियन हाईवे। मतलब सिर्फ नेचुरल ब्यूटी से दिख रहा है मुझे हर जगह। इन सभी चीज़ों को देख के मैं यही कह सकता हूँ, नेचुरल ब्यूटी एट इट्स बेस्ट।
फाइनली मैं भूटान में हूँ फिलहाल, और ये जो पीछे के साइड में आपको दिख रहा है ये भूटान का गेट है। दैट पार्ट ऑफ लैंड इज़ भूटान एंड जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये इंडिया है। सो अभी करेंटली फ़िलहाल ये कोरोना पैंडेमिक की वजह से ये गेट जो है ये पिछले 8 महीने से बंद चल रहा है। सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज के लिए इसको खोला गया है, तो जो आपको ट्रक्स वगैरह जो दिख रहे हैं सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज के लिए उनको खोला गया है। और जो एंट्री गेट है वो दूसरे बाजू में है, फिलहाल ये एग्जिट गेट के सामने मैं खड़ा हूँ। तो जब गेट जब ओपन हो जाएगा आफ्टर कोरोना इफेक्ट और आफ्टर कोरोना पैंडेमिक, मैं भूटान के अंदर भी आप लोगों को लेके चलूँगा। तो फिलहाल हम लोग यहाँ तक इस पार्ट को कंक्लूड करते हैं।